सभासद माननीय उपसभापति जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। सो यस्टरडे आई थिंक डी राजा हैज कंप्लीटेड हिज स्पीच एंड मिस्टर ला गणेशन वाज कॉल्ड नो नॉट कॉल्ड यू डिडंट स्टार्ट सो फर्स्ट वन राउंड इज कंप्लीट दैट इज द पोजिशन one round complete now second now it is second round we did not speak sir how did you complete one round now one round complete means one round those who are here to speak or those who not here I can understand but that also didn't happen you were not here I was not here but you not called also let me see No, the point, that is not the point. Ganeshan, no, Ganeshan, the point is, if I start with Ganeshan, that is second round. Second round means then Rajiv Shukla, then SP. SP is not here. Then ADMK SR. SP is here. SP is no Sanjay Seth. Alright, that is the way. Then only, then Sri Sharaj Yadav, then Sri Sri Damachuri. That is the way. But since you and Sharaj Yadav ji did not speak yesterday. That is the, so it will come in the second round. That is the way. So Sri Laganeshan. But your party has allotted you only 10 minutes, eh? So within 10 minutes you speak. Okay. Manyavar Upasabhavadi Mahodaya, main Tamil Nadu se aaya hoon. Aap log achhi tarah jante hain Tamil Nadu mein विद्यालय में हिंदी सिखाने के लिए व्यवस्था नहीं है मेरी तरफ से हिंदी सीखने के लिए समय भी नहीं है इसलिए मैं नहीं हिंदी नहीं जानता हूं फिर भी मैं हिंदी में बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं का कारण है मैं मध्य प्रदेश से चुनकर आया हूं இந்த இந்தியில பேசினாலே கேக்குறது ரொம்ப கம்மி தமிழ்ல பேசினா ஒத்தரும் கேட்க மாட்டேன் தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ஸ்பீக்கிங் இன் தமிழ் வை நாட் இன் தெலுங்கு ஏ முஜே சாகதே ஹே தமிழ் மே போலா கேவல் கேவல் சார் சென்டென்ஸ் போல்னே கே பாத் मेरा हिंदी इतना कष्ट था उनको इसलिए वो तमिल में बोलने के लिए आज्ञा देते हैं लेकिन मैं हिंदी में ही बोलने के लिए कोशिश करूंगा हिम्मत से योर टाइम मध्य प्रदेश जनता के लिए मध्य प्रदेश जनप्रतिनिधि के लिए जनप्रतिनिधि को अपना माननीय मुख्यमंत्री को मैं आज ये भाषण शुरू में उनको धन्यवाद देना चाहता हूं विशेषतः मुझे मौका दिए हैं अपना प्रधानमंत्री जी और अपना अध्यक्ष जी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं मैं हिंदी में बोलने के लिए हिम्मत से शुरू होता हूं लेकिन आपसे एक प्रार्थना है मैं जो बोलता हूं वो हिंदी ही है ऐसा आप मानना चाहिए पिछले सेशन में मैं पहली बार आने के बाद उस दिन हुआ स्लोगन और काउंटर स्लोगन एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट
को देखने के बाद मेरे मन में बहुत दुख हुआ। मेरे मन में कल्पना था अच्छी तरह बोलने वाले वरिष्ठ नेताओं के मुख से अच्छी तरह भाषण सुनने के लिए मौका मिलेगा ऐसा, लेकिन वो अलग था। तमिलनाडु में एक कहावत है, इधर कहावा आशिक पट्टाई बालकुमारान, तो वही सोचा था। लेकिन इस बार अच्छी तरह चल रहा है, बोलने के लिए मौका मिलता है, बाकी लोगों को भाषण को सुनने भी मौका मिलता है, इसलिए मैं संतुष्ट हूं। और माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण को एक अलग देखना उचित नहीं है, वो समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। मुझे याद है 2014 में चुनाव होने के बाद अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद ग्रहण के बाद हुआ पार्लियामेंट सेशन में, ज्वाइंट सेशन में माननीय राष्ट्रपति जी भाषण दिए। मुझे याद है हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय चुनाव पत्र हम रिलीज किए थे, इलेक्शन मैनिफेस्टो। राष्ट्रपति जी का भाषण में हम जिस विषय के बारे में चुनाव पत्र में हम लिखे थे, सभी अंश, ऑल दोस पॉइंट्स दैट वाज मेंशन्ड इन द मैनिफेस्टो, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रेसिडेंट एड्रेस। इसका अर्थ क्या है, बीजेपी मेरा पार्टी चुनाव के समय चुनाव पत्र देते हैं तो केवल वोट मांगने के लिए नहीं, जीतने के बाद सभी विषय के बारे में सीरियसली पालन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हम कोशिश करेंगे, इसका अर्थ है। लेकिन अभी इस बार हम सुने हैं अपना राष्ट्रपति जी का भाषण, ये भाषण में पूरा इट इज अ प्रोग्रेस रिपोर्ट, अकाउंटेबिलिटी, 2 साल में हम क्या किए हैं, एक वन बाय वन सभी स्कीम के बारे में उनका मेंशन करके भाषण था। और इसके बाद अब बजट सेशन में आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद अपने निधि मंत्री जी ने वो बजट प्रसन्न किए हैं, इसके बारे में अलग हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस माननीय राष्ट्रपति जी का ये भाषण में एक दो मुद्दे के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उस समय पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उस समय टीवी नहीं है, केवल रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो में हमने शास्त्री जी का भाषण हम सुने। देश वो कष्ट में है, चावल नहीं मिलता है, इसके लिए हर सोमवार रात्रि आई अपील टू द पीपल, हर सोमवार रात्रि उपवास करना चाहिए। मैं तुरंत पालन करना वो तो शुरू हुआ, लेकिन मैं पालन करता हूं इसके आश्चर्य कुछ ना है, क्योंकि मैं बचपन से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। लेकिन उस समय मैं सरकारी कर्मचारी था, मेरे यहां भी मैं बाकी लोगों भी पालन किए हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आम जनता का विश्वास उतना था। आप भी जानते हैं, आपके भी याद हो सकता है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो वो अपील किया, पूरा आम जनता तुरंत पालन किए ने। उसके बाद पहली बार जब अपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपील दिए हैं, जो लोग गैस कनेक्शन के लिए एलपीजी गैस कंस्यूमर आप वापस देना चाहिए, तुरंत 1,20,00,000 कंस्यूमर्स उन्होंने अपना वो कंसेशन के लिए वापस दिया है, सब्सिडी को वापस दिया है। इसका अर्थ क्या है, वो आश्चर्य विषय है। अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आम जनता के ओर से इतना विश्वास है, ये वो निरूपण है। और दूसरा विषय है, सब लोग बोलते हैं आजकल वो पॉपुलेशन में
पुरुष संख्या आदि है, महिला संख्या कम हो रहा है, परसेंटेज में फर्क है, इसके लिए क्या करना, बेटी के लिए क्या करना है, इसके बारे में चर्चा आज भी हुआ है। देयर इज अनदर डेमोग्राफी के बारे में हम बोल रहे हैं, लेकिन मैं सुझाव दे सकता हूं, लेकिन आप लोग विरोध करेंगे। मैं अच्छी तरह जानकर एक सुझाव दे रहा हूं, जैसा अपने प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है, बेटी बढ़ाओ के लिए भी एक घोषणा देना चाहिए, हर एक घर में एक बेटा दो बेटी ऐसा एक घोषणा देते हैं तो बेटी का संख्या अधिक होगा। ये है मेरा वो सुझाव है, एक बेटा दो बेटी रक्षा करेंगे देश की माटी, ये भी वो स्लोगन, वो स्लोगन हम दे सकते हैं। कल इस चर्चा शुरू करते समय अपना प्रतिपक्ष नेता जी, उनका भाषण सुना, आने के बाद बार बार उनका भाषण सुनने के लिए मुझे मौका मिला है। उनका आवाज इतना सुंदर है, मैं जब सुनता हूं पसंद होता है सुनने के लिए। गुलाब जी ने भी आजाद आज नहीं है सभा में, लेकिन उनका आवाज अच्छा है, सुंदर है, लेकिन विषय के बारे में कुछ विरोध करने का विषय भी है। उन्होंने बताया अब कश्मीर के बारे में, कश्मीर के बोलने के समय वो पहाड़ों के क्षेत्र में रहने वाले आम जनता लोग इतना कष्ट है, उनके लिए सुविधा नहीं है, वैसा वैसा वैसा, बहुत मुझे मन में कष्ट हुआ। इसका कारण क्या ही, 60 साल कांग्रेस सत्ता में थे, 60 साल सत्ता में होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता बताते हैं वो पहाड़ों क्षेत्र में आम जनता के लिए इतना कष्ट आज भी है, तो कारण कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और दूसरा विषय है, उन्होंने बताया ये अपना जवान लोग बहुत है, the forces are more forces are there, he has mentioned about that also. मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों इतना forces अधिक कश्मीर में है। आपका टाइम हो गया 10 मिनट, एक है बाकी लोगों का कम करेगा क्या सर? बोलिए, आप बोलिए। ओके बोलिए। एक हॉस्पिटल में 100 तक पेशेंट आए, लेकिन एक पेशेंट के बाद और 4-5 डॉक्टर बार बार जाते रहे, तो इसका कारण क्या है, ये तो सीरियस पेशेंट था, दैट इज द रीजन। पूरा देश है अधिक अपना आर्म फोर्सेस कश्मीर में है, तो इसका कारण है कश्मीर खतरनाक है, सिचुएशन ठीक नहीं है। लेकिन मेरे मन में मैं पूछना चाहता हूं, आप कर्फ्यू के बारे में आप प्रकृति बोलते, यू मेंशन्ड अबाउट दैट, लेकिन ये कर्फ्यू क्यों डिक्लेयर्ड, इसका कारण क्या है, कि पीछे कौन है, इसके बारे में आप एक वाक्य भी आप नहीं बोले। मैं तमिलनाडु से आया हूं, कन्याकुमारी है, आप कश्मीर में हूं है, मैं कन्याकुमारी हूं, दो चेन्नई, आई मीन तमिलनाडु, आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द पीपल ऑफ कश्मीर। मैं सोचता हूं कश्मीर के बारे में, क्योंकि मेरा अधिकार है कश्मीर के बारे में बोलने के लिए, सोचने के लिए। ये कश्मीर नाम वो कैसा उनको मिला है, इतवास कश्मीर महर्षि वो थे, इनके कारण उनको कश्मीरम कश्यप मीरम वैसा नाम था, आजकल वो कश्मीर हो गया। मैंने सुना हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं कश्यप गोत्र में पैदा हुआ हूं, इसके लिए मुझे अधिकार है, मैं एक भारत एक देश है वैसा मैं सोचता हूं, इसके लिए अधिकार है। लेकिन आप भी सोचना चाहिए अपना तमिलनाडु में क्या हो रहा है, द पीपल दोस हु आर इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तान, उग्रवादियों हाथ से तमिलनाडु में 130 से अधिक लोग मार गए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का कार्यकर्ता और हदरा हिंदू संगठन में काम करने वालों अभी अभी चल रहा है, लेकिन उनके बारे में आप नहीं बोलते हैं, केवल कर्फ्यू और कर्फ्यू कारण अपना मिलिट्री फोर्सेस कारण बोलते हैं। सो पूरा देश के बारे में आप
और राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का नेता है, नेता हो आप, पूरा राष्ट्र के बारे में आप भी चिंतन करना है, सोचना है, ये मेरे प्रार्थना है। और दूसरा विषय है, एक 500 रुपया नोट मिला है, ये तो आधा कारिक है, साफ है, सिंपली वाइट, केवल आधा पट। सर एक्सेप्शन मेक द रोल, ये कोने में एक 500 रुपया नोट वो खराब है तो ये पार्लियामेंट में वो देखने के लिए बोलने के लिए विषय नहीं है, इसके लिए अखबार में वो छापते हैं। इट इज एक्सेप्शन बिकॉज मैन हैज बिटन द डॉग, दैट इज व्हाई दे हैव प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर। सो आई नेवर एक्सपेक्टेड सच अ स्मॉल थिंग्स विल बी रेज्ड इन दिस अगस्त सेशन बाय अ सीनियर लीडर। एंड अनदर, एक उन्होंने अच्छी तरह अध्ययन किए हैं, पूरा विदेश में अखबार में डिमोनिस्ट्रेशन के बारे में क्या क्या छपा है, क्या आर्टिकल आया है, लेकिन ही हैज स्टडीड ऑल द न्यूज़पेपर्स दैट पब्लिश इन फॉरेन कंट्रीज, बट दे हैव नॉट स्टडीड द मूड ऑफ द आम जनता ऑफ द भारत इंडिया। आम जनता अलग सोचते हैं, डिमोनिस्ट्रेशन बारे वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन डिमोनिस्ट्रेशन घोषित करने के बाद हुए सभी चुनावों में we have won in many places that we have not at all won so far. The people are with us. So please study the mood of the people before studying the articles published in other countries. This okay. is my okay. my very big request. Okay, Ganesh ji. Conclude. Okay, now conclude. Conclude it. Conclude kar. Why not? I thought, sir, I will tell you here. I never expected there will be a call yesterday. That is why विस्तार से बोलने के लिए मैं तैयार करते हूँ। लेकिन आप बोलते हैं, I am a disciplined soldier. मैं इसके लिए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much. Now,